कहेंगी? देखो एक काम करो, पहले मुझे छोड़ के जो कुछ कहना है कहो, मेरे हलके के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये थानेदार कितना गड़बड़ आती है। चुप, प्यार कर रहे हैं, बताइए इसको प्यार करना नहीं आता? इसका ड्रेस देखकर हम समझे कि शायद पढ़े लिखे होगी, ये तो बिल्कुल जाहिल जैसी बात कर रही है। कहाँ चलिए? किधर? क्या काम है उधर? बताइए इसको मोहब्बत कहना नहीं आता, मोहब्बत कह रही है? प्यार में भूल गई हूँ। अच्छा तो मुझे चाहती है, ऐसा है तो फिर ये चांद सा चेहरा क्यों ढक ली हो? सीरिम बताइए, हर लोगों को शर्म लगता है, इसको सीरिम लगता है? बातों में बका रहे हैं। सर हम देखे हैं ना, सोचो था हम भी हवलदार, मैं समझ गई। अरे ये तो तुम्हारा साहब है ना, कुछ नहीं समझ आ रही है, इससे तो अच्छा और सरदारी ठीक था। सुनिए ए मेरा छुरी पकड़ लीजिए, अच्छा है अपना देख के निभाइए। है लड़की, तुम मुझे ये छुरी दिखा रही हो? एक और दो। फिर ढूंढ जाओ ये मेकअप का, मुझे तो चाहिए। ये लड़की मुझे ये छुरी दिलाकर मेरा अपमान कर रही है, मुझे शर्मिंदा कर रही है। अगर मौका मिला तो मैं चोरी हूँ। अरे तुम मेरा डंडा पकड़ ली? पकड़ लूंगी। डंडा छोड़ो साहब, डंडा छोड़ो। खबरदार, जो आप हमें डंडा दिखाएंगे, डंडा मत दिखाइएगा, का दे रही हूँ डंडा मत ऊपर के, पहले डंडा नीचे कीजिए। खबरदार, जो साहब डंडा के विषय में तुमने कहा, तुम नहीं जानते साहब डंडा कितना खतरनाक है। पहली बात तो साहब डंडा उठता नहीं है। क्या कहा? कहूँ जानू चुनका? हाँ, कैसे कर रहा है? ये डंडा हर लोगों पे नहीं उठता, अच्छे अच्छे क्राइम करने वालों पे उठता है। और जब ये डंडा उड़ जाता है तो अच्छे अच्छे क्राइम करने वाले लोग मेरे सामने सिलेंडर करके फिर जाते हैं। अच्छा, आप क्या ठंडा कीजिएगा? आप तो नीचे से ऊपर तक बिल्कुल ठंडा ही ठंडा। अबे साली, तुम जितना अकड़ के बात कर रही हो, अगर तुम्हारे जगह कोई लड़का होता तो साले को तत्काल अंदर उजड़ता। अंदर? अरे हाय राजा, अरे किसने रोका है आप हमें, जल्दी अंदर कीजिए। अरे मैं तो कम से जाने के लिए तैयार हूँ। अरे राजा, अरे कुछ तुम्हारा जब लिहाज है कि नहीं, साहब सामने कैसे है झेल के बात कर रही है, कहीं तो पागल तो नहीं है? पागल होगा तुम्हारा पाप दादा, अरे पागल होगा तुम्हारा पूरा खानदान। अरे सामने एक पुलिस वाले को क्या क्या पकड़ी है? इसको तो बहुत दिन में करता है कि हवालात में गुस्सा कर रिमांड पर होगी। एक काम करो। अरे वाह हवलदार, मैं समझ गई, इस थाने में तुम ही एक मर्द हो। अरे तुम्हारा नाम होना चाहिए था हवलदार हाथी सिंह। कितना फूल रहा है ये? ज्यादा मत फूलो, नहीं तो तुम्हारा हवा निकल जाएगा। हवलदार, तुम सुभाष चंद्र बोस को डुप्लीकेट हो, सही में सच कर रहे हो, तो मैं तुम्हें को पहना दे। थोड़ा सा सब असी दिन पे होता बोलने लगा। बताओ आंटी सिंह, बिगड़े हुए घर के एक्शन में इशू प्रोविजन है, समझा? अबे ओ लंगू, ज्यादा बोलो बोलो तो तुम्हारा नौकरी खा जाऊंगा। एक काम करो, जितना जल्द हो सके मेरी आंखों से ओझल करो इसे, हटा इसे, ये माथा खराब कर देगी। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, जाने से पहले ये सूट सलवार मेरा पहन लूंगी, अब थाने में जाकर कहूंगा हाय मैं करो। साली मार के सर फोड़ दूंगा, समझा? हो गया हो गया, पागल कहेंगे, फोड़ दूंगा सर। अरे सचमुच ये सेंसेलेस लग रही है, पागल हो गया तुम?
हाँ मैं पागल हो गई। पागल हो गई हो? हाँ अभी हो गई। अच्छा तो जितना जल्द हो सके हटाओ उसे, नहीं तो ये मुझे पागल बना देगी। हटो। हाय सुनो आगे आगे तुम चलो। तुम रास्ता देखती हो? रास्ता देखिए मैं ठीक है, मैं पीछे से भी बता सकती हूँ रास्ता। अरे तुम नहीं समझ रही हो हवलदार, फिर तो मैं लड़की हूँ, तुम मारती हो। आज जिंदगी में पहली बार किसने मुझे मार कहा? तो पहले से क्या समझ रहा था हवलदार गंधु सिंह? बताइए 5 घंटे में काम करूंगा, 2 घंटे में करता है। क्या बात है? पूछ पूछ। अबे डॉक्टर की बात, तुम्हारी डॉक्टर की समाप्त नहीं होगी? नहीं सर, अपनी आंखों से खाओ सर, भयानक चेहरा, ही बड़ी बड़ी आंखें, बड़े-बड़े नाखून, अच्छी बड़े-बड़े दांत। वो मेरे पीछे पड़ गया सर, वो मुझे मारेगा, उसे दुश्मन। मैं तो डर के मारे पेट पर चल गई थी। अभी तुम भी यही हो? आप विश्वास क्यों करने आप ही देखिएगा तो वही हाल होगा जो हम लोग को हुआ। अरे क्या हाल होगा? किस रास्ते से तुम दोनों आ जा रहे हो? उसी रास्ते से मैं भी आता जाता हूँ, मुझसे एक परिंदा भी नहीं मिलता है। तुम दोनों भूत देख रहे हो? अच्छा ठीक है, अगर सुन लेता तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है? बस आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर? आधा किलोमीटर का मतलब समझते हो? 500 मीटर। आने जाने का समय 10 मिनट, हम तुम्हें 15 मिनट का समय दे रहे हैं। जाने का? जाने और आने का दोनों। जाना कहाँ तक है जानते हो? आधा किलोमीटर। इस लड़की का घर मात्र आधा किलोमीटर है। आप तुम्हें भूल से कर रहे ना? सर हाँ, मैं ही से निशाना लगाए खड़े हैं। किसके ऊपर? तुम दोनों के ऊपर। अगर भूत तुम दोनों पे हमला किया तो साले को गोलियों से भून कर रख दूंगा, इतना भागों में मार दूंगा तू आजीवन अपने आप को समेट भी नहीं पाएगा। इंस्पेक्टर विजय कुमार सक्सेना इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेला है। तुम दोनों आगे बढ़ के तो देखो, चलो यही रहिएगा। हाँ हाँ यही है। अरे भाई हम तुम्हें पहचान रहे हैं, हांडी सिंह हो तुम। जाओ ना। जिंदगी में पहली बार इस तरह का डरपोक मिला है। जिंदगी में पहली बार अगर कोई इमरजेंसी फोन आता है कि आप जतोर चौराहे पर पहुंचिए, कुछ दंगा फसाद हो गया है, इसके पास से मैं फोन करता हूं। जब फोन की घंटी बजती है तो बेहुदा भूत भूत चिल्लाना शुरू करता है। इससे हर किसी की आवाज भूत की ही आवाज लगती है। कितनी बार मैं समझाया कि होगा भूत किसी जमाने में, इस जमाने में कोई भूत नहीं है, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं। मात्र आधा किलोमीटर जाना था, पहुंच गया होगा। मैं भी चलूं थाने पे, कुछ जरूरी काम करना है। कहा जा रही हूँ? आप आ गई, मैं जा रही हूँ। किसी नौकर को मैं सब भेजिए। नौकर? नौकर था
लेकिन अभी कोई नहीं है, सब छुट्टी लेकर अपने अपने घर चला गया है। हाँ और कोई रास्ता है घर से? नहीं, यही एक रास्ता है जिस रास्ते से हम लोग आए। काम करते हैं क्या? जब तक कोई आपका नौकर नहीं आता वहीं रुक जाते हैं? नहीं नहीं,